दोस्तों चाय तो पीते हुए आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर टाउन में, और जो मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा मैं चाय ढालने का काम कर रहा हूँ, वो भी कप में। यहाँ पर एक भाई साहब की चाय की दुकान थी, मैंने वहाँ से चाय लेने का काम किया। चूँकि दादी जो बैठी हुई हैं आपको नज़र आ रहा होगा, दादी है उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैंने सोचा कि चलिए उनके लिए कुछ चाय का इंतज़ाम किया जाए। तो चाय वाले को बोला कि भाई साहब आप चाय ले जाओ, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा दूर पड़ता है और बिजी हूँ, तो आप ही ले जाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने कुछ खिदमत करने का मौका मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ नेकी वाला काम कर लिया जाए, और दादी तो दादी होती हैं, तो चलिए उनके लिए चाय मैंने कप में ढालने का काम किया, और मैं उनको हम गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ, साथ साथ चाय के साथ अगर बिस्किट हो जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दादी जो है चाय के साथ साथ बिस्किट का मज़ा ले रही है, और इसी के साथ इस हिसाब को दे देते हैं, बड़ी खुश हुए। और ये देखिए मैं भी चाय में बिस्किट डुबा डुबा के खाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि चाय के साथ जो बिस्किट का जो कम्बिनेशन है वो अलग ही टेस्ट पैदा करता है। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, इसी में कुछ पल चुरा लेना है, इसी चुराए हुए पल में थोड़ा मुस्कुराते हुए चलना है, ज़िंदगी जीने का ये खूबसूरत तरीका है दोस्तों। तो चलिए दादी को डॉक्टर साहब के पास हम ले चलते हैं धीरे धीरे करके, और जैसे कि आप जानते हैं कि बुढ़ापे का कोई इलाज दोस्तों नहीं होता है, ये ज़िंदगी है। और दादी को डॉक्टर के पास ले जाते हुए फ़िलहाल अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि खिदमत का जो मौका मिल जाता है ये भी खुशनसीबी वाली बात हो जाती है, सौभाग्य है कि किसी की जो के जो है आप काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। धीरे धीरे करके ले जाना पड़ रहा है क्योंकि इनको थोड़ा सा हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, और यहाँ पर घर हम आ चुके हैं, और घर आने के बाद इनको धीरे धीरे उतारने का काम किया जा रहा है क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डी में दर्द होने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है, बुढ़ापे में इस तरह की शिकायत होती है। बच्चों की एक टीम, बच्चों की फौज, बच्चों को एक साथ ले जाने का काम किया जा रहा है, दादी को बच्चे जो है ले जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है बच्चों को आने वाले दिनों के लिए। बेहतर लगे सब्सक्राइब करिएगा।